हेलो एवरीवन, स्टिल आई थिंक 10 मिनट हैं अभी, 10 मिनट हैं अभी इसमें शुरू होने में। तो हम लोगों ने क्या सारा एक बार सेटिंग सब चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मॉडल में लास्ट टाइम जैसे जो लिंक हम लोग ने फॉरवर्ड किया था वो नहीं चला था, तो टू द सेफर साइड, इसलिए हम लोगों ने कहा कि लो आज थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं, बिकॉज दैट टाइम अभी कोई किसी का कोई अभी हम लोग बात कर सकते हैं। हेलो प्रगति, हेलो करीम। आज हम लोग क्या करेंगे, आज ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं, आज हम लोग पहले अपना टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। हेलो अमित, और डिस्कस करके ही फिर हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? तो हम लोग एक इसके क्वेश्चंस बना लेंगे, अगर कोई बीच में क्वेश्चन पूछता है तो। हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पहले हम लोग सोच रहे हैं USA के लिए कवर कर दें, क्योंकि उसके लिए एक वीडियो भी बनाने के लिए बहुत दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और हम लोगों ने इसका भी रिक्वेस्ट हम लोग बना नहीं पाए थे। तो अब हम सोचें कि आज आप लोग ये क्लियर कर दें कि अगर आप MBBS USA से करना चाह रहे हैं तो उसके क्या तरीके हैं। मान लिया आप 10+2 करते हैं, तो वहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा नीट के बारे में एक आपको कुछ अपडेट दे देते हैं, क्योंकि कुछ र्यूमर्स हैं कॉलेज वालों का कि अगर मान लिया कोविड रहा तो फिर क्या होगा। मान लिया कोविड गया ही नहीं और 13 सितंबर को मान लिया स्थिति, हेलो अमित, और स्थिति अगर और ख़राब रही, हेलो अनीता, तो उस समय जो अभी अर्ली न्यूज़ आ रही मे बी, मतलब पता नहीं, क्योंकि एक रीट पड़ी है अभी कोर्ट में, कुछ लोग डाल रहे हैं, हेलो खुशबू, उसमें ये भी हो रहा है कि शायद इसको हेलो हेलो मित्राज, तो उसमें शायद ऐसा है कि जो नॉन विदाउट नीड, जैसे 2017-18 में कोर्ट ने एग्जम्पशन दिया था 6 महीने के लिए बहुत बच्चों को कि वो बाहर जा सकते हैं, तो शायद वो छूट मिल जाए बिना नीट के जाने के। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि इसे इम्पोर्टेंट, अगर कोविड रहा नहीं गया तो एक चांसेस तो ये है कि जीरो सेशन भी हो सकता है, ये मतलब बहुत ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि हेलो PC जी ने, क्योंकि ये इसलिए ख़राब चीज़ होगी क्योंकि जिससे बहुत लोग कहते हैं 12th के मेरिट के बेसिस पे सीट अलॉट कर दी जाए, तो वो बहुत फेयर उसमें हो नहीं पाएगा, बहुत फेयर नहीं हो पाएगा वो। तो मेरे हिसाब से वो तो शायद पॉसिबल नहीं है उस ऑप्शंस में हम लोग अगर जाते हैं, तो अगर वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं और अगर कोरोना अनदर दिसंबर जनवरी तक परसिस्ट किया, तो मे बी हो सकता है गवर्नमेंट इस साल जीरो सेशन कर दे, इस साल क्लासेस ना हो, ऐसे भी बातें हो रही है, मतलब ये कोई हम आपको डरा नहीं रहे, बट जो बातें मार्केट में आ रही है वो हमने आपको बताना चाह रहे हैं। और एक चांसेस ये भी है कि अब्रॉड के लिए हो सकता है बिना नीट के सल अलाउ करते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा 2018 में किया था जब बच्चे कोर्ट गए थे, क्योंकि ऐसे तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ का 99% यूनिवर्सिटीज़ अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगी, और बढ़ाने का एकदम मन बना भी चुकी है, बहुत लोगों ने तैयारी है कि जब तक, क्योंकि उनके बेसिक एडमिशन 90% इंडियन स्टूडेंट से ही होते हैं, और अगर इंडियन स्टूडेंट ही नहीं पहुँच पाए तो क्लासेस चलना तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट समझिए इम्पॉसिबल है, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो उस कंडीशन में हो सकता है एक्सटेंड कर दें, अने अदरवाइज वी विल वेट। और फिर आप ये तो हम लोग नीट के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको देना चाह रहे थे, और हम लोग का हेलो हुमा, तो आज का हम लोग का मेन चीज़ है कि हम लोग आपको पहले US से शुरू करना चाह रहे थे, अभी 6 मिनट शायद बाकी हैं जो हम लोग ने ऑफिशियल टाइम दिया था, कुछ लोग प्री विजिट आ गए, अच्छा लग रहा, बढ़िया, काफ़ी लोग आ गए, हेलो काजल भगत, गुड इवनिंग। तो यही मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था, तो लेट्स सी, क्योंकि कोरोना का अगर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, और ये जो करीना में एंड ऑफ कंट्री में स्टडी कैसे होगा, मित्राज मैं समझ नहीं पाया, इसको दोबारा टाइप कर लेंगे क्या लिखा है, करीना मैं समझ नहीं पाया, अब्रॉड कंट्री के लिए आप पूछ रहे हैं क्या? अब्रॉड कंट्री में अगर बिना नीट के अलाउ कर देंगे तो हो ही जाएगा, वो तो नीट जो रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो MCI ने रखा अपनी कंट्री के लिए, जिनको वापस इंडिया आना है, उन कंट्रीज को नीट से मतलब नहीं ना, वो तो पहले भी कभी नीट के बिना भी लेते थे, नीट तो 2018 से इन्होंने कंपल्सरी किया है, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ किसी को पूछना तो पूछ सकता है, क्योंकि
एक बार हम लोग शुरू कर देंगे तो आज हम लोग बीच में कोई क्वेश्चन नहीं टेकअप करेंगे, फिर हम लोग जैसे ही आज जल्दी कंप्लीट करेंगे टॉपिक्स फटाफट। आपको मैं पहले यूएसए के बारे में, आज थोड़ा हम लोग कॉस्टली कंट्रीज पकड़ के आपको बताएंगे, जैसे यूएसए के बारे में बता देंगे, फिर पोलैंड के बारे में बताएंगे, फिर मलेशिया के बारे में बताएंगे, हम लोग यूरोप का हम लोग थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी, जरूरी नहीं है सबका बजट उतना हाई हो, लेकिन नॉलेज लेने में कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है आपका कोई जानने वाला या आपसे कोई कभी पूछे तो आप उस स्थिति में उनको उसको बता सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, नॉलेज हमेशा काम ही आती है। ठीक है, सो एनी वे आई थिंक इट्स अगेन 4 मिनट रिमेनिंग, बट वी कैन स्टार्ट द जिस्ट और थोड़ा बहुत हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक है नीट MCA FMG वगैरह, तो मैंने क्लियर ही कर दिया था। नेक्स्ट एग्जाम को लेकर अगर आपको अगर कुछ पूछना है अभी तो पूछ लिया, मैं नेक्स्ट का आपको बता दूं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद यूएसए फर्स्ट देन। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग और कंट्री नहीं कवर करेंगे, ये जब हमारे ये मेन कंट्रीज खत्म हो जाएंगे ना, जो क्वेश्चन है उसमें फिर आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है तो वो टाइम हम आपको पूरा देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन वगैरह सब रख सकते हैं। ठीक है, तो कजान फेडरल गुड और ओनली मार्केटिंग शैलेश, मैं तो अभी अपना सेटअप में बैठा हूँ, अभी अभी कहाँ हूँ मैं, वैसे मैं लखनऊ में रहता, लखनऊ में हूँ, ड्यू टू कोरोना आई एम नॉट ट्रैवलिंग। कजान फेडरल इज रियली गुड और ओनली मार्केटिंग, नहीं कजान फेडरल इज गुड, 13-14 से वहाँ शुरुआत हुआ, 13 से हुआ है मेडिकल का और 3 साल हुए हैं, 3 से 4 साल जब से इंडियन बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है बहुत बड़ी कि इस यूनिवर्सिटी में पहले संख्या यूनिवर्सिटी बच्चों की बहुत कम थी, मतलब आप मान लीजिए एवरेज 35-40-50 बच्चे ही जा रहे थे, बट इस साल एकाएक इसमें बहुत ही बूम आ गया, बहुत ज़्यादा, और वो कई कारण थे उसके। हाँ, अगर एग्जाम देखिए, नेक्स्ट एग्जाम तो देखिए आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैक टू बैक नेक्स्ट देना होगा, जैसे FMG का होता है, संगीता खत्री जी का सवाल है, तो देखिए जैसे FMG होता तो FMG में देर इज नो लिमिट, every 6 month देर इज एग्जाम, तो FMG बच्चा तब तक देता जब तक उसका FMG नहीं क्लियर होगा। और FMG सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं है, आज मैं रफू जी मैं आज उसके बारे में बात करूंगा, पोलैंड के बारे में, रोमानिया में आज के लिए डाटा बहुत कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। बाकी पोलैंड के लिए बच्चों ने बोला था लास्ट टाइम, वो मलेशिया के लिए, तो वो मैं आज कवर करूंगा। USA 3 डेफिनेटली मैं आपकी बात रखूंगा, रोमानिया में नेक्स्ट उसमें 100% कवर कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं पोलैंड से आपको जिस्ट दे दूंगा कि उसके लिए क्या बेटर है क्या नहीं, उससे आपको आइडिया लगेगा। हाँ, तो संगीता जी का सवाल हमने पुटअप किया था, तो संगीता जी हमसे ये पूछ रही थी कि अगर नेक्स्ट वेलकम अगर नेक्स्ट नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो क्लियर करना पड़ेगा, जो जब से नेक्स्ट नहीं था तो FMG था, और नेक्स्ट तो अब इंडिया के बच्चे भी दे रहे हैं, तो दोनों को क्लियर करना है, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। 1 साल है, हेलो सुफियान, हेलो पीयूष, तो वो तो चॉइस नहीं है, किसी के पास देना ही है। और एक्चुअली आपको बता दें, FMG का भी आपको पता नहीं किसी को आइडिया है या नहीं है, FMG का जो स्ट्रक्चर है अभी तक एग्जिस्टिंग, तभी 2021 तक लास्ट एग्जाम होगा ना FMG का, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, MCQ बेस होता है, जैसे आपका नीट होता है, इसमें आपको 150 लाना होता है MCQ में, और देर इज नो निगेटिव मार्किंग। नीट में आपका निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं होती है। बेसिकली समझ लीजिए, अगर बच्चे ने वाकई 5 साल पढ़ा या यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि बच्चा ना निकाल पाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने करेंट टॉपिक पे आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस पुटअप नहीं करेंगे, नहीं आज हम लोग सर रहु सर थोड़े महंगे ऑप्शन बता रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा पैसे वालों की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग सस्ते ऑप्शन में, आज हम लोग USA से शुरू करेंगे, बहुत महंगे वाले ऑप्शन से, और धीमे धीरे USA मेरा पुटअप करने का कारण है, बहुत बच्चे हमसे पीछे पड़े हैं, करेबियन करेबियन, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में, तो मुझे लगा कि ये स्कैम को क्यों ना ऑनलाइन ही एक्सपोज कर देते, बच्चों को भी नॉलेज मिल जाएगी, और ये क्योंकि वीडियोस ऐसा नहीं कि जो अभी ऑनलाइन है उतने ही लोग देख रहे हैं, ये वीडियो जब हम लोग पब्लिश कर देते हैं तो उसमें व्यूज आते रहते हैं पूरे 6 महीने साल भर तक लोग देखते रहते हैं, तो ये सबके काम ही आएगा, तो बेटर है अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, तो हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप ये जो मार्केट में चल रहा है, करेबियन में चले डॉक्टर बने करेबियन में जाके USA में, तो मुझे ये मतलब बताना है कि क्या वाकई करेबियन में कोई डॉक्टर बनता है जाके, या करेबियन का ये है क्या। ठीक है, इन दिस नो अटेम्प्ट संगीता जी, नाउ बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग, तो आप क्वेश्चन इज वंस अवर दिस डिस्कशन इज कंप्लीट यू कैन पुट ऑल द क्वेश्चंस, ओके। हाँ, तो और 2022 से नेक्स्ट लागू हो जाएगा,
और ये पार्लियामेंट से बिल क्योंकि पास है, इसमें सबको इन्होंने इसमें शामिल किया, इसमें आपके इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो हम लोग कैरेबियन के बारे में बताते हैं, हम लोग यूएसए के से आते हैं। तो देखिए, यूएसए का एक आपका फंडा है कि यूएसए में जाने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने 10+2 किया, तो 10+2 यूएसए में 10+3 होता है, जैसे जर्मनी में ही ऐसे ही होता है कि जर्मनी, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर जर्मनी हम एमबीबीएस क्यों ना करने चले, वहाँ तो फ्री है। हाँ, वहाँ फ्री है, ये बात गलत नहीं, बट जर्मनी आपके 10+2 को मानता नहीं है। तो आपको क्या है, फिर से बेसिक कोर्स, एक से फिर से कोर्स एक बार आपको फिर टाइम देना पड़ता है। तो वो आज मैं क्वेश्चन पुट अप नहीं करूंगा, टॉपिक्स करने के बाद में आप लोग क्वेश्चन डालिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इसमें आप वहाँ पे फिर क्या करिए कि आप एमकैट का एग्जाम निकालिए, 13th फिर से करिए, मतलब एक साल फिर से करिए, फिर आप उसमें बीएस में जाते हैं। तो एक जो यूएसए में पढ़ने वाला बच्चा, मान ली एक अमेरिकन नागरिक है, वो एमबीबीएस कैसे करता है, वहां पे 10+10 तक बच्चा पढ़ता है, फिर 4 साल का वहाँ बीएससी पढ़ता है सीधे 10th के बाद, और बीएससी के बाद वो फिर अपना एमकैट निकालता है, और फिर वो 4 साल का एमडी प्रोग्राम में चला जाता है। तो टोटल अगर हम लोग उसका एमबीबीएस समझे अपनी भाषा में, तो वो 7 साल में एमबीबीएस करता है। अगर इंडियन बच्चा ऐसे जाना चाहेगा तो एक बहुत लंबा और काफी महंगा रास्ता होता है। तो इसको, और सिर्फ ये इंडियन बच्चों के लिए, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के बाहर के जो नागरिक हैं या सिटीजन हैं, अगर उन लोग को अमेरिका में डॉक्टर बनना है, क्योंकि अमेरिका में जो सबसे 5 अमीर प्रोफेशन है उसमें सबसे मेडिकल उनमें से एक है जो सबसे कमाने वाला है। इसके अलावा मतलब वहाँ पे एडवोकेट जो बनते हैं लोग, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे 5 प्रोफेशन है जिसमें बहुत अच्छी लाइफ और बहुत जिंदगी बहुत अच्छी लोग जी सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है कि जो करेबियन में एक ऑप्शन है कि बहुत एडवर्टाइज होता है कि आप 2 साल 3 साल करेबियन में पढ़ें और उसके बाद फिर आप अब्रॉड जा सकते हैं, मतलब वहां से यूएसए जा सकते हैं, आपको हम 2 साल करेबियन पढ़ाएंगे और 3 साल। तो क्या इसमें कोई हकीकत है क्या? तो इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि करेबियन में जाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्रेडेशन देखना है, वो है कैम एचपी का एग्रेडेशन। तो कैम एचपी क्या है, ये है करेबियन एग्रेडेशन अथॉरिटी है, और ये मतलब ये क्वालिटी चेक देती है हर यूनिवर्सिटी को कि वो एग्रेडेटेड है कि नहीं। अगर मान ली कैम एचपी यूनिवर्सिटी नहीं है, अंतर ऐसे आप समझिए कि आपको उसी करेबियन आइलैंड में, जो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 1.25 करोड़ में एमबीबीएस करा रही हैं, और उसी करेबियन आइलैंड में आपको ऐसी भी यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया है, कंसल्टेंट ने अप्रोच किया, जो 40 लाख 20 लाख में एमबीबीएस करा रही, 30 लाख में करा रही, मतलब इतना अंतर कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ तो अंतर है। तो अंतर यही है कि आप जो ये नॉन कैम एचपी, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी फोन करे तो आप उससे पहला सवाल यही पूछे कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हमको ले जाना, क्या वो कैम एचपी है। अगर कैम एचपी का एग्रेडेशन कौन देता है, वहाँ की एक लोकल एजेंसी है कैरीकॉम। कैरीकॉम एक एजेंसी है, कैरेबियन अथॉरिटी है या कैरेबियन कम्युनिटी आप उसको कहिए, वही आपको, हाँ यू असेंबली देना है। मैं करेबियन पूरा समझा रहा हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं वही बता रहा हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन लोग का जो कोरिकुलम है वो इस तरह से डिजाइन है कि पहले 2 साल जब वो आपको बेसिक साइंस पढ़ाते हैं या प्री क्लिनिकल कह लिए पढ़ाते हैं, उसके बाद ये आपको यू असेंबली 1 दिलाते हैं, और उसके बाद फिर ये आपको क्लिनिकल साइंस देते हैं, और उसके बाद जो आपका आखिरी 2 साल बचता है 5 साल में से, वो यूएसए में कराते हैं, जो कि आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। उसी बीच में बहुत यूनिवर्सिटीज आपको यू असेंबली 2 भी दिलवा देती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो 90% यूनिवर्सिटीज हैं, हमने जो लिस्ट बनाई थी करीब 8 से 9 यूनिवर्सिटीज की, वो लिस्ट आपको चाहिए होगा तो मैं इसमें बाद में जब इसको पब्लिश करूंगा तो वो डाल दूंगा। तो वो यूनिवर्सिटीज में जैसे आपकी, अभी मैं शौक था, आज ही मैं नेट पे चेक कर रहा था, क्योंकि सेमिनार तो देने का लॉ एक बार फिर से ब्रशअप कर लें, तो ऐसे स्पार्टन को शायद फिर से इन्होंने मना कर दिया कि स्पार्टन बहुत पुरानी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी करेबियन की, और इसका पैकेज भी 1 करोड़ के ऊपर है, इसको अभी कैम एच पी कैंसिल कर दिया, जो भी कारण होगा। तो इसका क्या इंस्पेक्शन बहुत टफ होता है, इसका ये क्या अमेरिका की एजेंसी और लोग मिलकर करते हैं, बहुत मतलब खतरनाक इसका मतलब उनका जो पैमाना बहुत टफ है, मतलब वो सारे पैमाने जब तक नहीं मीट करेंगे तब तक वो आपको मतलब इसने मान्यता नहीं मिलती है कैम एचपी की। और इसका रूल है बहुत क्लियर कट है कि या तो अगर आप एब्रॉड में ECFMG वर्ल्ड डायरेक्टरी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं तो, और या अगर आप कैरेबियन में कर रहे हैं तो कैम एचपी, ये दो एग्रीडेशन अगर नहीं मीट कर रहा है आपका, तो फिर आपको आप यू असेंबली एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब ये कि आप 40-45 लाख 50 लाख लगा के जब कैरेबियन आइलैंड इतनी दूर जा भी रहे हैं और इतना पैसा लगा भी रहे हैं, वो पैसा का वेस्ट है आप यू असेंबली एग्जाम देने में, जिस लालच से आप गए थे कि हमें यूएसए जाना है। तो
तो बच्चों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें करेबियन आइलैंड अगर जाना है तो ये पहली बात आपको बजट आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा 1 करोड़ से। मेरे नॉलेज में एक हमने यूनिवर्सिटी में डाला भी था वीडियो, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी, आप देखना, तो मैं इसका वीडियो भी मैंने इसमें बैक में रखा है, दिखा सकते हैं हम। तो सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी पीछे चला दे तो आप देखते रहे, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ये बहुत महंगी है, इसका ये मैंने वीडियो बनाया था, पॉपुलर हुआ था, कोई लोगों ने सेंट जॉर्ज ने हम लोगों को अप्रोच किया था मुझे कि आप इसके बारे में बताइए, आपको लोग सुनते हैं। तो ये सबसे पुरानी, करीब 40 साल पुरानी है, और अमेरिका में हर दूसरा डॉक्टर अमेरिका में इसी यूनिवर्सिटी का पास आउट है, और इनका यूएसएमली पासिंग 96% है, और यहाँ पे जो 76% स्टूडेंट है वो सिर्फ यूएस और कैनेडा के ही हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है, ये यूनिवर्सिटी मतलब एक 7 स्टार होटल है, आइलैंड पे बसा है, ग्रीनाडा एक आइलैंड करके, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। इसमें 3 इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, जिसमें आप एक मलेशिया मतलब यहाँ पे सॉरी बेंगलोर में रमैया, एमएस रमैया, 1 साल पढ़ के जा सकते हैं, 1 साल मतलब 5 साल में से 1 साल यहाँ पढ़ लें, या फिर आप 2 साल यूके में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आप ग्रीनाडा में ही 3 साल पढ़ लें, और फिर आखिरी के 2 साल सबको यूएस जाना है। और इनका क्योंकि 96% यूएस पासिंग परसेंटेज है, जो कि बहुत हाई है, तो वो एक इनके लिए बहुत, इनका यूएस भी, इसीलिए 76% कैनेडियन और यूएस के बच्चे यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं जो पीछे पूरी यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे हैं। तो विश्व, आई विल आंसर एवरीथिंग, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट, मैं आपका रैंक बता दूंगा, नीट क्वालिफाई होना चाहिए शायद जो आप पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि ये तो हो गई बहुत महंगी सेंट जॉर्ज, क्योंकि वहाँ की बहुत प्रीमियम यूनिवर्सिटी, हमारे इंडियन स्टूडेंट शायद ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, फिर बजट नहीं है। या मान लीजिए इसका बजट 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक चला जाता है, मतलब इतनी महंगी यूनिवर्सिटी है। इससे कम बजट में भी कैमएचपी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बारबाडोज है, आपकी स्पार्टन है, हालांकि स्पार्टन का भी कैमएचपी एग्रीडेशन नेट पे दिखा रहा था फंसा हुआ है। इसके अलावा ट्रिनिटी है, आप ट्रिनिटी देख सकते हैं, ये भी रोज कॉलेज है, वो भी अच्छा है, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारे जो आपके हैं ये अप्रोक्स आपके इसी बजट में आ जाते हैं, बट अगेन द थिंग इज इट इज वेरी कॉस्टली। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है या कम है, उनको करेबियन के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है, बिकॉज वो अपना चुपचाप किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की सस्ती यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करें, अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो मैं राय दे रहा हूँ उनके लिए, जिन्हें यूएस जाना पढ़ने में बहुत तेज है बट पैसे नहीं है तो कैसे यूएस जाए। उन बच्चों को ECFMG वर्ल्ड डायरेक्टरी देख के उन यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें जहाँ पे वो आराम से पढ़ सकते हैं, और पैरेलली वो अपना ऑनलाइन तैयारी करें। यूएसएमबी ऑनलाइन तैयारी बहुत कोचिंग्स करा रही हैं, आपको बता दें, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं यूएसएमबी की, और अपना एमबीबीएस करते समय ही आप यूएसएमबी दे सकते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। और आपको बता दें ट्रम्प गवर्नमेंट ने रिसेंट चेंजेस किए हैं, आपको किसी को शायद बहुत कम लोग को पता, मैं आपको अपडेट कर दूँ, यूएसएमबी 1 में अटेम्प्ट लिमिटेड कर दिए गए 6 अटेम्प्ट, पहले कोई लिमिट नहीं थी। यूएसएमबी 2 में अटेम्प्ट लिमिटेड हो गए 3, और यूएसएमबी 3 में अटेम्प्ट लिमिटेड कर गए 3, मतलब 3 ही अटेम्प्ट है आखिरी के 2 यूएसएमबी में, आपको 3 यूएसएमबी एग्जाम निकाल लेते हैं, यूएसएमबी 1, यूएसएमबी 2, यूएसएमबी 3। तो अगर आप उस के लिए सोच रहे तो ये लड़ाई काफी लंबी है, और उस लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाइए, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। तो अगर यूएस का सपना देख रहे हैं तो ये है, ये मैं पीछे जो चल रहा है मैंने वही देखा, ये 7 साल का जो एमडी प्रोग्राम है जो हमारे बैनर में आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल यूएस का बंदा पढ़ता है जो 7 साल में एमबीबीएस करता है, वही आप 5 साल में एमडी प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एमबीबीएस कुछ नहीं होता, एमडी बोलते हैं, और एसआरशिप या रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है पीजी जो होता है उनका, तो अगर आपके वो एक अलग थ्योरी पीजी के लिए, क्योंकि पीजी वहाँ पेड होती है, काफ़ी पैसे मिलते हैं, और यूएस में मैंने जैसा आपको बोला कि बहुत पैसे वाला प्रोफेशन है, मतलब शायद आप बहुत लोग विश्वास ना करें कि स्टार्टिंग पैकेज पीजी करने का 5 से 6 करोड़ पर एनम होता है, तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है बट उतना ही महंगा और उतना ही मुश्किल भरा है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने यूएस के बारे में बता दिया। अगर यूएस से रिलेटेड आपको कुछ भी अभी नहीं समझ में आया जो मैंने जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि हम अपने टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ 20 लाख थे, हाँ हम लोग आज कम बजट में पार हम लोग आएंगे, हम लोग ने आज थोड़ा सा महंगे से सस्ते आने का प्लान बनाया, तो हम लोग को बहुत बच्चों ने कैरेबियन के बारे में पूछ रहे थे, तो हम लोग ने पार कैरेबियन का जो ये है ये क्लियर कर दिया कंसेप्ट बच्चों का, कि अगर कैरेबियन आपको कोई बोल रहा है तो फिर रशिया में जाने के लिए कोई रैंक नहीं, सिर्फ एक आपको रैंक नीट क्वालिफाई होना चाहिए, विश्व विश्व सिर्फ नीट क्वालिफाई आप होंगे, आप जा सकते हैं रशिया में, ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। कुछ एक क्रीमिया यूनिवर्सिटी जिसकी 69% मांगता है 10+2 में, उन्होंने भी अपना कम कर दिया, इस बार 60% कर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, वही सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, 2 साल जो मैंने यूके का आपको बताया है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में ही है,
हाँ आई कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो गुरु गणेश इफ यू वॉन्ट एनीथिंग आई कैन जस्ट रिपीट सेम थिंग इन डेफिनेटली चंदन सिंह यू कैन आस्क। अभी हम लोग क्योंकि दूसरे टॉपिक पे जब स्विच मार रहे तो ये इस स्पैन में हम लोग बात कर सकते हैं कुछ भी। स्टेप वन दे सकते हैं डेफिनेटली आप स्टेप वन दे सकते हैं मधुवंशी आप दे सकते हैं। फीस डिपेंड ऑन विश्व रशिया में आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। देर आर यूनिवर्सिटी विच आर इन 18 to 20 lakh इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट एंड फूड एंड दे आर यूनिवर्सिटी इन रशिया विच आर 30 to 35 lakh। दे आर गुड फेडरल यूनिवर्सिटी जो फेडरल यूनिवर्सिटी दे आर गुड सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है बट बजट हाई होता है थोड़ा। और उनके पास ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो हमारे स्टैंडर्ड से भी हाई है एम से भी हाई है जैसे पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी वगैरह वो आपके 80-90 लाख बजट में जाती है जो कि इंडियन बच्चे जाते नहीं। क्रीमिया के बारे में मैं बोल रहा हूँ क्रीमिया बहुत अच्छा है अगर आप नेट पे गूगल करिएगा सब लोग मेहनत करिए जितने लोग ऑनलाइन आज शाम को तो क्रीमिया का FMG सबसे हाई है सारे में सबका मिला के आज तक। उसका कारण क्या था क्योंकि हमारे से तो कोई फिल्टर था नहीं बच्चों को रोकने का लेकिन क्रीमिया ने एक अपना फिल्टर लगाया हुआ था 69% के नीचे बच्चों को लेते ही नहीं थे तो उससे क्या हुआ भाई 70% जो बच्चा ला रहा है उसका एक स्टैंडर्ड सेट है ऑलरेडी। तो वो देखिए कजान फेडरल इज उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कजान फेडरल जो 5001 का पुतिन का प्रोजेक्ट है 15 यूनिवर्सिटी उसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट की कजान उसमें चौथे नंबर पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडेड यूनिवर्सिटी है और उनके जो हॉस्टल्स हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा मैं लाया हूँ मतलब आज की वीडियोज में दिखाने वाला हूँ। हाँ स्टूडेंट लोन इफ यू आर एलिजिबल फॉर लोन मनीष डेफिनेटली यू विल गेट लोन। तो उज़्बेकिस्तान सुल्तान आई विल कवर इन सम टाइम जस्ट गिव मी हाफ एन आवर अप्रॉक्स। तो क्रीमिया का इसलिए हाई था हमेशा परसेंटेज हाई था बट कजान और क्रीमिया को कंपेयर करो आपका बजट का इसलिए तो गो फॉर कजान बिकॉज कजान मैंने बता ना वो पुतिन के ड्रीम प्रोजेक्ट की जो 15 यूनिवर्सिटीज उन्होंने लिस्ट उसमें है क्योंकि अदरवाइज जो और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो बहुत महंगी वो 70-80 लाख तक के बजट की आ जाती है इसमें इंडियंस नहीं जाते हैं जनरल इतने हाई बजट में। तो फेडरल के बारे में अगर आप सोचें तो क्रीमिया और फेडरल में गो फॉर कजान इफ बजट इज नॉट इशू बिकॉज दोनों में 10 लाख का अंतर आ जाएगा आपके टोटल पैकेज में। तो ये आपको तय करना कि आपका बजट क्या है पर अगर बजट है तो गो टू कजान अगर बजट नहीं है तो यू कैन गो टू क्रीमिया कम बजट में ठीक ऑप्शन है क्योंकि क्रीमिया को बता दें 2015 से पहले था यूक्रेन का पार्ट था जब लोग की लड़ाई हुई अटैक है तो वो जैसे चाइना जगह कब्जा कर लेते ऐसे रशिया ने क्रीमिया को अपना जगह बता के ले लिया हो सकता है सही गलत हम लोग उस डिटेल में जा रहे तो वो क्रीमिया उनके उसमें चला गया और अब वो फेडरल हो गया पहले वो क्रीमिया फेडरल नहीं था। टिपिकल कंट्री है उसके अलावा MBBS नहीं हो सकता लिमिटेड नहीं लिमिटेड बर्डेस में तो शायद पार्थ मैंने आपको बहुत ऑप्शन बताए हैं जो उज़्बेकिस्तान से सस्ता शायद कुछ नहीं उर्गेंज ब्रांच बहुत अच्छी है सुल्ताना पूछ भी रहे तो एक्चुअली उर्गेंज इज गुड फॉर स्टडिंग एंड डेफिनेटली यू कैन वो बोथ बेस्ट ऑन देयर साइड डेफिनेटली गणेश बोथ आर बेस्ट इफ यू गोइंग फॉर कजान और प्रीमियम बोथ आर बेस्ट बट कजान डेफिनेटली हैव अ एज दिस इज द फैक्ट। Georgia, I won't suggest Shiva. If you are anyone suggesting you Georgia, then only go for Tbilisi State Medical University. Otherwise, don't go to any XYZ University in Georgia. There are a lot of issues. We don't have embassy in Georgia, और बहुत complain है. तो मतलब I suggest go for nearby. Better you go for Belarus if your budget is that much. 6 year program आप जा रहे हैं. बेलीज सर बेलीज आप नेट पे चेक करिएगा वही जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया ना ये कैम HP नहीं है रफू सर वो आप चेक करिएगा ये भी एक फेक है फ्रॉड है जो बाजार में चल रहा है ये आप खुद से चेक कर सकते हैं आप नेट पे डाल के देखिएगा इट्स नॉट कैम HP और जो आपको फोन करे उसी से पूछ लिए। यू देखिए एजेंट USMG कैसे सेलेक्ट क्लियर कराएंगे क्योंकि आर्मीनिया है वर्स्ट पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड आर्मीनिया में किसी बच्चों को नहीं मैं एक यूनिवर्सिटी अगर जाना ही है तो यरवान आ गई यरवान डेफिनेटली अच्छी है उनकी एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बाकी सब थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी हैं मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको। USMLE कोई एजेंट नहीं क्लियर करा सकता ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से ही आपको खुद से पढ़ के निकालना पड़ेगा कि साथ में अगर हम USMLE देंगे तो कितना बजट जाएगा। USMLE में देयर इज नो एक्सपेंस उसका आप मान के जब तो उन्होंने फीस भी कम करा दी आपका मान के चलिए 20-25 हज़ार के अप्रॉक्स फॉर्म एग्जैक्ट फीस मुझे नहीं आइडिया लेकिन बहुत सस्ता फॉर्म हो गया है तो उसमें आपका USMLE का कोई एग्जाम नहीं आप ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट का कभी कोई लिमिट नहीं है सुफियान ये सिर्फ हवा है ऐसा इसमें कोई दम नहीं है इस बात में नहीं पोस्टपोन हो गया तो एब्रॉड में एडमिशन चेंज देखिए एब्रॉड में एक अपडेट हो रही है focusing app right now we are focusing more on actually content definitely I will consider you this thing guru thanks for this thing and neat postponement ko abroad admission chal rahe hain aur chalenge aage bhi chalenge aur ho sakta hai aapko course relief bhi koi mil jaye nahi shiva is wrong choice whoever is giving you don't go in that trap koi fayda nahi hai
हाँ देर लॉट ऑफ या ये देखिए यूनिवर्सिटी पासिंग ऐसे हम लोग पीयूष इसको ऐसे ना समझे कि किस यूनिवर्सिटी का यूएसएमबी पासिंग सबसे ज्यादा है। वो निमोनिया वाला वो आया था पार्थ, मतलब हमें नहीं पता उसके बारे में और कहीं सुनने को, कि हम लोग के न्यूज चैनल्स में और काफी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज कुछ जगह से वो हमारे पास भी व्हाट्सएप आया था। स्टेप टू के लिए यूएसए में जाना होगा। हाँ मैं आपको स्टेप टू क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग यूएसए किया है। यूएसए स्टेप टू, फॉर यूएस स्टेप टू देर इज टू पार्ट, सीएस एंड सीके। मतलब स्टेप टू यू हैव टू गिव टू एग्जाम्स, सीएस पार्ट क्लिनिकल साइंस एंड क्लिनिकल नॉलेज। वंस योर क्लिनिकल साइंस इज क्लियर देन यू हैव टू डू 6 month मैंडेटरी क्लर्कशिप, दैट इज फेलोशिप इन यूएसए ओनली, देन ओनली यू गिव द सीके एग्जाम। तो ये ऐसे है, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया आपको मधुवंशी, मैंने आपको बता दिया ये चीज़, ठीक है। स्टेप टू के लिए कि सी के एंड सी एस दो पार्ट आपको, आई थिंक वो आपका कंट्रोल टाइप बार बार हो गया है। गणेश एनीथिंग यू नीड टू नो मोर? हाँ एजुकेशन लोन इंक्लूड एवरीथिंग मनीष, अप्रोक्स दे गिव यू 80% लोन, और यूनिवर्सिटी अगर अच्छी होंगी तो वो इस तरह से आपको लोन लेटर देती है कि आपका ऑलमोस्ट 90% के ऊपर कवर हो जाता है। बट एक पर्सनल सजेशन मैं आपको मनीष दूंगा, आपका बजट हो तभी बाहर जाएगी, क्योंकि एजुकेशन लोन इज वेरी कॉस्टली। 13 से 12% लोन होता है, वो भी कंपाउंडिंग होता है, वापस करने में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो बैकअप प्लान हो तभी लोन लीजिए, मेरे हिसाब से लोन लेके पढ़ना बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं और एलेबरेट करके बताऊँ आप चाह रहे, देखिए मैं बता दे, यू एस एमली टू जो है, यू एस एमली टू में दो एक दो पार्ट होते हैं, यू एस एमली टू सी एस पार्ट, क्लिनिकल साइंस पार्ट एंड क्लिनिकल नॉलेज पार्ट। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर सी एस पार्ट क्लिनिकल साइंस, दैट यू कैन गिव क्लियर इन इंडिया ओनली। बट फॉर गिविंग क्लिनिकल नॉलेज नॉलेज फॉर दैट, बिफोर दैट 6 month एटलीस्ट यू हैव टू वर्क देयर एज अ क्लर्कशिप। उसे क्लर्कशिप बोलते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वरशिप बोलते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीखे दे सकते हैं। नहीं जर्मनी का वैलिड पीजी नहीं वैलिड है। जर्मनी में अगर आपको सेटल होना है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इट्स वेरी गुड और डेफिनेटली यू कैन गो। एक हम लोग बहुत अच्छी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में आपको आज ले चलते हैं दिखाने के लिए। सॉरी जस्ट 1 मिनट मैं इसको, हाँ दिस इज पोलैंड, मैं कहाँ चला गया, मैं ये आ गया। हाँ मैं पोलैंड के बारे में आपको बताना चाह रहा था, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हमें ईयू में जाना है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में करीब 27 देश हैं, और 27 देशों का ये है कि इनकी एक अपनी संस्था है। तो प्योर ईयू में, जैसे अभी किसी ने हमसे रोमानिया के बारे में पूछा, तो सेम वो ईयू में आता है। तो जो भी आप ईयू में पढ़ते हैं उसका प्लस भी, और मैं माइनस भी बताता हूँ। फिर गोव यूनिवर्सिटी में 3 साल वो है, फिर उसके बाद वो रशियन है, बाइलैंग्वल मायूसी। गो फॉर कजान फेडरल, कजान फेडरल फुल इंग्लिश है, ऑल 6 ईयर। ओके बीरगंज नेशनल मेडिकल कॉलेज नेपाल, नेपाल का मैंने प्लस माइनस बताया था। नेपाल में जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी कॉस्टली, अप्रोक्स 50 to 60 lakh अगर आपका बजट है तो ही आप फिर जाइए बीरगंज में, और कोई फायदा नहीं। इतना पैसा लगाना है तो यू गो टू मलेशिया और मॉरिशस, वाई टू वेस्टिंग मनी इन नेपाल? नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर एम के कजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक मेडिकल सर, कजाक में कजाक नेशनल, वेस्ट कजाक, वेस्ट कजाक इज एवरेज सर, ओनली मार्केटिंग। आई वोंट सजेस्ट यू, इट्स ओनली मार्केटिंग, डोंट गो टू दिस। बहुत दूर दराज यूनिवर्सिटीज हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हॉस्पिटल्स दे डोंट हैव वेरी गुड हॉस्पिटल्स, तो वी वोंट सजेस्ट यू। हाँ 100% 3 साल इंग्लिश है, 3 साल आपका रशियन है। जो फेडरल यूनिवर्सिटीज है वही फुल इंग्लिश है। रशिया में यही तो प्रॉब्लम आती है, बच्चों की जो ज़्यादातर कंप्लेन होती है वो यही होती है कि 3 साल के बाद ये लोग हमें रशिया में पढ़ाते हैं, फुल रशिया में है, तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। MBS इजिप्ट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, जिनकी अरबिक अच्छी है वो जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ गए वापस आए हैं, इवन दे वर फ्रॉम वेरी गुड रिनाउंड मुस्लिम फैमिली, दे ऑल्सो रिटर्न बैक बिकॉज वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे थे, अरबिक में पढ़ा रहे थे। तो इजिप्ट मतलब वी वोंट सजेस्ट, इफ यू आर अरबिक इज गुड दैन यू कैन गो, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज आर गुड। हेलो राकेश, नाउ वी विल कम टू पोलैंड। आपको मैं पोलैंड में बताना चाह रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए भी फिर से क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये टॉपिक कर खत्म करके फिर एक ब्रेक देंगे, फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं सबके, ठीक है।
तो देखिए पोलैंड में वो लोग, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे सब, यहाँ की जो नंबर वन यूनिवर्सिटी वो है जिडान्स यूनिवर्सिटी। जिडान्स यूनिवर्सिटी वर्सावा इनकी जो है कैपिटल से करीब 400 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ की नंबर वन, अगर आपको पोलैंड प्लान करना है आपका बजट 70 लाख तक का है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट यहाँ की बहुत महंगी, $300 के आसपास महीना है। मतलब मान के 20,000 रुपये महीने का खर्चा आराम से हो जाएगा, महीने का रहना खाना 20 से 25 हज़ार। तो अगर आप उस हाई फाई बजट में जाना चाह रहे हैं तो पोलैंड एक अच्छा है, क्योंकि पोलैंड के साथ प्लस पॉइंट है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। आप हालांकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इतनी टफ पढ़ाई, लेकिन एक बात कर लेते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं यहाँ, स्टे बैक ऑप्शन, आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइसेंस एग्जाम होता है MBBS कम्प्लीट करने के बाद, अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप पूरे यूरोप में काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। वेबसाइट में दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दे मेंशन, वी कांट कमेंट ऑन दे, बट ग्राउंड रियलिटीज आर ऑलवेज डिफरेंट। तो हाँ, यहाँ बेनिफिट ऑफ यूरोप, वेरी गुड मनीष, दैट आई वाज फोकसिंग। देखिए यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा फायदा, जैसे मान लिया पोलैंड में पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए 1 मिनट आपको कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं पूरे यूरोप के सारी कंट्रीज के, तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स काउंट होते हैं। आप day 1 से day 6 ईयर में कभी भी फुल ट्रांसफर मार सकते हैं उसी क्लास उसी ईयर में जो इतना आपने पढ़ लिया उसके नेक्स्ट में। मतलब आपको इटली पसंद है, इटली उड़ के चले जाइए, या आपको जहाँ भी जाना है आप उसी से ट्रांसफर ले सकते हैं, तो क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये, क्योंकि जितने भी यूरोप, आप अगर आप प्योर EU में जाएंगे, दूसरा है कि EU के जो अगर आप लाइसेंस एग्जाम MBBS वगैरह क्लियर करते हैं तो वहाँ जॉब भी करते हैं, तो वहाँ सेटल हो सकते हैं। सेटल जिनको होना है यूरोप, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो पोलैंड को एक अपना ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, अगर पोलैंड के बारे में आपको कुछ और जानना है, क्योंकि मैं आपको पोलैंड के बारे में जिडान्स के बारे में बता सकता हूँ, इसे एक थोड़ी कम बजट की भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट अगर आप तब भी वो आपका वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 लाख का पैकेज में फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और इनका एक एग्जाम भी होता है। सम कंट्री फॉर यूरोपियन यूनियन, दैट आई एम टेलिंग यू राकेश, आई एम टेलिंग अबाउट द पोलैंड, इट इज इन EU। मैं आज पोलैंड के बारे में ही कवर कर रहा हूँ। आज हमारा जो बैनर बना था उसमें हमने USA कवर किया सबसे पहले, और सेकेंड आज हम लोग पोलैंड पे आए हैं। तो हाँ, ड्रॉप लेना, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ले लेके आप साल खराब करें। और मैंने बोला कि MBBS करने का, अगर PG प्लान करेंगे आपका लाइफ के 10-12 साल वैसे ही चले जाएंगे, तो जितना आप यहाँ ड्रॉप लेंगे आगे लाइफ में वो उतना ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप लेने से अच्छा गो अहेड एंड, और अब तो एक कॉमन एग्जाम कर दिया नेक्स्ट, तो दोनों को ही देना है। तो आई वोंट सजेस्ट, या तो आइदर यू क्विट, अगर आपका 1 साल 2 साल खराब हो चुका है तो यू क्विट बेटर। तो पोलैंड के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अगर पोलैंड के बारे में आपको कुछ और जानना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में पढ़ने का अपना फायदा है, जो मैंने बताया कि आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप वहाँ स्टे बैक कर सकते हैं, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बार आपको जो मैंने बेलारूस लास्ट टाइम पूछ के, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, आर्मीनिया यूरोपियन यूनियन में नहीं, ये यूरोप लिखते हैं अपने को, लेकिन यूरोपियन यूनियन, ये USSR से टूटे थे, बट बेलारूस ने एक ट्रीटी साइन की, जो कि कजान फेडरल ने भी साइन की, आपको अपडेट कर देते हैं, बोलोना ट्रीटी आप गूगल करिएगा। इससे इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स है और एजुकेशन स्टैंडर्ड है सेम, मतलब जो चीज़ आप 30 से 35 लाख में आपको मिल जाती है, वो अगर आप पोलैंड प्योर में जाते हैं तो आपको करीब 70 लाख रुपये खर्चना पड़ता है। माल्डोवा इज नॉट अ वेरी, इट्स अ पुअर कंट्री। माल्डोवा के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा है नहीं, है तो वो यूरोपियन यूनियन में नो डाउट, बट वो पोलैंड का बजट पार्ट इज 70 लाख अप्रोक्स, 70 लाख, बट इट्स वेरी नाइस इफ यू कैन अफोर्ड डेफिनेटली। उनका अभी 10 तारीख को एग्जाम था, अभी इनका एग्जाम होता है हर महीने होता है, तो मैं आप नेक्स्ट डेट हमसे ले सकते हैं, और उनका फीस भी होती है, वो एग्जाम फ्री में नहीं कराते आपको, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को 1200 रूबल कुछ होते हैं, मतलब 12,000 कुछ आपको, वो सॉरी रूबल नहीं, उनका यूरो कुछ, उनको आपको 10,000 यूरो के आसपास जमा करने होते हैं, 1,000 यूरो ऐसे, मैं एग्जैक्ट इंडियन करेंसी बताऊँ तो 12,000 रुपये जमा करने होते हैं। हाँ, मॉल्डोवा इज नॉट इन यू, ओके आई एम नॉट श्योर वो सर इज टेलिंग, तो मे बी हाँ, बिकॉज वी हैव नो आइडिया। हाँ, मॉरिशियस के बारे में हमसे बहुत बच्चों ने पूछा, मैं अभी बता देता हूँ, ओके सर, थैंक्स रफू सर। मॉरिशियस के बारे में देखिए, वहाँ पे दो ही कॉलेज हैं MBBS के लिए, एक SSR और एक अन्ना, और ये दोनों कॉलेज MBBS करने के लिए यहाँ पे इंडियन बच्चे ज़्यादा हैं, ये प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं वहाँ पे, और 60 से 65 लाख के बजट अगर आपका है तो एक मॉरिशियस एक ठीक ठाक ऑप्शन है, बट क्योंकि इंडियंस ही उसको चला रहे हैं तो हमने कह रहे इंडियंस खराब होते हैं, बट जो इंडियंस उनको चला रहे, जो ऐसा स्टूडेंट हमें वहाँ के बताते हैं कि बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं, बहुत प्रोफेशनल नहीं है वो लोग, वो आपको मज़ा नहीं मिलता। आप जैसे अब्रॉड में चाहते हैं कि सब चीज़ सेटल्ड होता है, वो कुछ कुछ मिसिंग लगता है। एक बच्चा है, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मेरे पास है, मैं दे दूंगा, वो 2 साल मॉरिशस में पढ़ के छोड़ के आया, घर रहा 6 महीने, शायद ट्रॉमा में था जो भी उसके साथ हुआ, और हेलो प्यारा, और फिर वो वहाँ से
अभी कजाकिस्तान ट्रांसफर लेके चला गया, तो उसके अपने जो भी रीजन होंगे वो से हमें कभी कनेक्ट कर, मतलब अगर किसी को उससे बात करें कि वो मॉरिशस क्यों छोड़ गया, तो बेटर आप उसी से पूछे, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, लिविव इज यूनिवर्सिटी इज गुड, बट मैंने इससे पहले ही बताया कि अगर यूक्रेन आप प्लान कर रहे हैं तो गेट रेडी टू गिव लॉट ऑफ एग्जाम, बिकॉज आप नीट देके जा रहे हैं, फिर वहां पे आपको क्रॉक वन क्लियर करना है थर्ड ईयर में, सिक्स ईयर में आपको क्रॉक टू क्लियर करना है, जब तक नहीं क्लियर करेंगे एवरी 6 मंथ अगेन यू हैव टू गिव दैट एग्जाम, और तीन तीन बार की लिमिट है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आगे नेक्स्ट वन देना, नेक्स्ट टू देना, तो बहुत एग्जाम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम, तो क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन में जाना है। हाँ, जर्मनी का अगर पाथ आप सीख लेंगे तो आप जर्मनी जा सकते हैं, उसमें आपको A1, A2, B1, B2, C1 ये लेवल ऑफ एग्जाम्स है जो आपको क्लियर है। C1 इज वेरी टफ, मतलब आपको जर्मन टू द कोर आनी चाहिए, मतलब जब सोते में हम आपको उठाए तो आप अच्छा जर्मन बोल लें, आपको सोचना ना पड़े, तब समझिए आपको जर्मन अच्छी आ गई है। इफ यू कंपेयर हम पोलैंड और मलेशिया, देखिए आपका प्रियोरिटीज क्या, क्योंकि पोलैंड के बारे में हमने एक चीज और अच्छा रिसर्च किया कि इनका जो एजुकेशन है वो सेम, ये भी USMLE 1 स्टेप टू क्लियर कराते हैं फ्री, इसका पूरा वो कराते हैं फॉर्म से भराने से लेके पूरा स्ट्रक्चर, तो मतलब पोलैंड में आपको एक एज ये है कि आपको डे वन से आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जा रहा है। मान लिया आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एक फेज में आप बिगड़ गए, या आप मान लिए मतलब बिगड़ नहीं गए, बिगाड़ नहीं रहे आपको, लेकिन आप मान लिए उतने स्कॉलर नहीं रहे, एक समय आप 90% लाते थे, इस समय आप 60 मीडियोकर्स रह गए, उस समय अगर आप USMLE जैसे खतरनाक एग्जाम नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन आप पोलैंड में बस सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मलेशिया से पढ़ने के बाद भी आपको